Oh, good morning, students. Today we will study class 8 English supplementary reader. It so happened, chapter 8 Jelly part 1. Okay, an honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. The sight of crisp, surfy jelly in the market excites him, and the coins in his pocket begin to. जिंगल, लॉन्ग डिबीट विथ हिम सेल्फ हीशन ये एक बच्चे की कहानी है एक पॉकेट में स्कूल फीस देने के लिए लेके जा रहा है और वहां पे जो रास्ते में उसे कुछ गर्मा गर्म, गर्म जलेबिया क्रिस्प जलेबियां दिखाई देती हैं, तो उसके पॉकेट में जो पैसे थे वो जिंगल कर रहे थे मतलब कुछलकूद कर रहे थे और लास्ट में बहुत बहसबाजी के बाद वो आखिर जलेबी के पास पहुंच ही जाता है तो ये स्टोरी है इसके आगे इसमें क्या क्या होता है ये हम देखते हैं इट है मैनी हज है ये बहुत पहले की बात है आई वॉज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल मैं कहाँ कौन से क्लास में था फिफ्थ स्टैंडर्ड में था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था कंबलपुर नाउ कॉल अटक one day i went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fun when i got there i found that the teacher who collected the fees master gulam Muhammad, was on leave and so the fees would be collected the next day although all through the day the coin simply sat in my pocket but once the school got over and i was outside they began to speak ये क्या कह रहा है ये बहुत पुरानी बात है मैं जब पाँच फिफ्थ क्लास में पढ़ता था तो मैं एक बार अपने स्कूल फीस देने के लिए अपने पॉकेट में फोर रुपीस का फोर रुपीस लेकर जा रहा था और जब मैं स्कूल पहुँचा तो देखा कि जो हमारे टीचर है, हैं जो फीस कलेक्ट करते हैं कौन थे वो मिस्टर आ, मास्टर गुलाम मोहम्मद जो कि उस दिन वो एबसेंट थे लीव में थे तो सारा दिन क्या हुआ वो कॉइन्स जो थे वो मेरे पॉकेट में चुपचाप बैठे रहे स्कूल में जब मैं था लेकिन जैसे ही मैं स्कूल से वापस लौट रहा लौट रहा था तो ये जो कॉइंस है वो आपस में बातें करने लगे बिगन टू स्पीक ऑल राइट काइंस डोंट टॉक तो ये कहता है कॉइंस को कि बात मत करो द जिंगल और और गो खनक खनक बट आई एम टेलिंग यू दैट द डे दे एक्चुअली स्पोक तो जब हम पॉकेट में पैसे डालते हैं जब काइंस वगैरह होते हैं सिक्के उसमें से कैसे आवाज आती खनक खनक की आवाज आती है ना खनक खनक की आवाज आती है तो वो कहते हैं कि आ, आप मानोगे नहीं बट लेकिन उसे दिन एक्चुअली में जो है कॉइंस जो है वो बातें कर रहे थे वन कॉइंस है एक कॉइन ने कहा वट आर यू थिंकिंग अबाउट तुम क्या सोच रहे हो दोज फ्रेश हॉट जलेबी इज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाओ इन द शॉप ओवर दियर दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग जलेबीज आर मैं टू बी ईटन एंड दोस्ट विद द मनी कहते हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो एक कॉइन उससे कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो तुम देख रहे हो वो फ्रेश हॉट जलेबीज एकदम गर्मा गर्म जो कढ़ाई से निकल रही है वो ऐसे ही नहीं बनी है वो उसको तो जलेबीज बनी क्यों है उसको तो खाना खाने के लिए बनी होती है जलेबी जलेबी क्यों बनती है खाने के लिए ओनली दोज विद द मनी मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम और जिसके पास पैसे हैं वही जलेबी खा सकते हैं एंड मनी इज नॉट फॉर नथिंग मनी इज मेंट टू बी स्पेंट एंड ओनली दे स्पेंड इट दो जलेबीज दो जलेबीज ये पैसे ऐसे ही नहीं है पैसे इज नॉट फॉर नथिंग कुछ किसी की चीज़ के लिए नहीं है लेकिन ये पैसे किस लिए हैं स्पेंड करने के लिए है खर्चा करने के लिए होते हैं पैसे और कहाँ खर्चा कर लेंगे एंड ओनली दे स्पेंड इट और जिसको जलेबी पसंद है वो उस जलेबी खरीदने में पैसे खर्चा करेंगे लुक हियर यू यू फोर रुपीज आई सेट टू देम मैंने उनको बोला देखो चार रुपए आई एम ए गुड बॉय मैं एक अच्छा लड़का हूँ डोंट मिस गाइड मी और इट वी गुड फॉर यू मुझे भटकाने की कोशिश मत करो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा लुकिंग एट बाजार अ मुझे घर में इतना कुछ मिलता है इतना कुछ मिलता है मुझे कि मुझे बा, बाहर में बाजार की चीजें देखना पाप लगता है Besides,

अभी मैं तुमको कल सर को क्या मुंह दिखाऊंगा और कयामत के दिन में भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा यू प्रोबेबली डोंट नो इट बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन बेंच ऑन द बेंच ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट द लास्ट बेल रिंग्स होते तुमको पता नहीं है जब जो हमारे मास्टर है मोहम्मद गुलाम मोहम्मद उनको जब गुस्सा आता है तो वो तुमको फर्स्ट पीरियड से ही क्या है एकदम फर्स्ट से ही बेंच में खड़े कर देते हैं बेंच में खड़े करवा देते हैं और बिल्कुल ये भी भूल जाते हैं कि उनको तो याद भी नहीं रहता कि किसी को बैठाना वो पूरी लास्ट पीरियड तक वो खड़े रहना पड़ता है यू सिट फॉरगेट टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स मतलब आखिरी बेल तक भी वो तुमको नहीं बैठाना भूल जाते हैं सो so, इट्स बेस्ट यू स्टॉप चुइंग एट जूंगा इसे अच्छा है कि तुम अपना ये जो बगबक कर रहे हो इसको बंद करो थोड़ा सा यर्स दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रीट और मुझे चुपचाप घर जाने दो द दिसलाइक वाट आई हैड सेड सो मच दैट ऑल दे ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम अब जो मैंने कहा तो वो जो कॉइन्स थे उनको ये पसंद डिसलाइक हुआ उनको पसंद नहीं आया तो वो सब कोई कॉइन्स एक साथ बोल एक समय पे एक साथ बोलने लगे देयर वॉज ए सच सच अ क्लामर दैट पासर बाय इन द बाजा स्टेड स्टार्टेड आईज वाइड विद सरप्राइज एट मी एंड माई पॉकेट बोले इतना शोर कर रहे थे वो लोग एक साथ बोलने लगे कि जो लाउड नॉइस मीन्स है ना सच्चा लाउड नॉइस कर रहे थे वो लोग कि जो पासर भाई जो बगल से डूबे के बगल से जा रहे थे उन लोग भी मुझे बड़े सरप्राइज और आश्चर्यचकित होकर मुझे और मेरे पॉकेट को देख रहे थे द कॉइन ऑफ दोज डेज द इज थिंग्स मेड ऑफ मच मोर नॉइस टू और जो, जो कॉइन्स उस समय की जिस चीज़ों से बना रहा था ना वो बहुत ही आवाज़ करती थी मुझे इतना पैनिक हो गया था मैं कि मैंने क्या किया पॉकेट से वो चारों को निकाला और अपनी मुठ्ठी फीस मीन अपनी मुठ्ठी में जोर से ग्रैप किया उसको निकाला और अपनी मुठ्ठी में जोर से टाइटली बंद कर लिया अब वो लोग चुप हो गए देवियर साइलेंट ये देखो ये जा रहा है बच्चा आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स मैंने खुद सो फ्यू स्टेप चला आई लूज़न माय ग्रिप मेरा हाथ क्या हुआ थोड़ा सा ढीला हो गया ग्रिप छूट गया मेरा इमीडिएटली द ओल्डस्ट कॉइन सेट उतने में जैसे ग्रिप छूटा तो जो ओल्ड कॉइन था वो बोल उठा Here we are are trying to to tell you you something for your own good and you are trying to strangle us instead. Old coin कहता है कि यहाँ पर हम तुम्हारे अच्छे के लिए बता रहे तुम्हारे अच्छे के लिए कुछ बातें बता रहे हैं और तुम हमको इतनी जोर से दबा के रखते हो टेल मी ऑनेस्टली नाउ डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट अच्छा अब सच बताओ क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा है उसको खाने का Those hot जलेबीज

विद दिस फी मनी एंड फी विद स्कॉलरशिप मनी वो कहते हैं कि आज तुम इस पैसों से स्वीट्स खा लो और कल जो स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे उसे फीस जमा कर देना एंड स्टोरी किस्सा खत्म पैसा हजम वो कहते हैं कि इससे क्या होगा कि कहानी खत्म और पैसा हजम मतलब किस्सा खत्म हो जाएगा जलेबियां खा लेंगे और पैसा खत्म हो जाएगा वॉट यू आर रिप्लाई जो तुम कह रहे हो वो गल सही नहीं है बट इट इज नॉट दैट रॉन्ग इधर और इतना गलत भी नहीं कह रहे हो ये सही नहीं है लेकिन गलत भी नहीं है वो कहता है लिसन स्टॉप बल्बरिंग एंड लेट मी थिंक ये अल्बरिंग मीन्स बड़बड़ाना बंद करो और मुझे सोचने दो आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय मैं कोई कॉमन लड़का नहीं हूँ आम लड़का नहीं हूँ बट

नहीं है वो कहता है इन स्कूल आई वाज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट और स्कूल में सबसे अच्छे बच्चों में मैं हूँ इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्जाम आई हैड इवन वन स्कॉलरशिप फॉर फोर रुपीज अ मंथ मुझे स्कॉलरशिप मिला है कितना चार रुपये महीना मुझे स्कॉलरशिप मिलता है मैंने फोर्थ एग्जाम फोर्थ क्लास में अच्छे नंबर पाए थे बिसाइड्स आई केम फ्रॉम द

इसके मतलब कॉन्ट्ररी मीन आप बोल सकते हैं डिफरेंट इसके अपोजिट मुझे मास्टर जी कहते हैं कि तुम uh, दूसरे बच्चों को मारो बता जो बच्चे शरारती हैं तो ये बहुत अच्छा था तो इसको कहते थे तुम फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग ऑफ द बाजार इटिंग जलेबीज ऐसे ऐसा लड़का जिसका ऐसा स्टेटस है वो रास्ते में खड़ा होकर जली भी खाएगा नो इट वॉज नॉट राइट नहीं ये तो बहुत गलत है ये सही नहीं है आई डिसाइडेड आई द केम होम फिर से उसने क्या किया अपनी फिर से उसने जो मुट्ठी में उन्होंने पैस, उसने पैसे दबाए रुपये को रखे मुट्ठी में और घर वापस आ गया

तुम जलेबी लेके के जाओगे तो आखिर उसको रखोगे किस में कैसे कैरी करके लेके जाओगे दोस्त वे आर इन इन एक्सपेंसिव टाइम्स मतलब उस समय कैसा था उतनी महंगाइयाँ नहीं होती थी वन रुपी फेस्ट मोर देन ट्वेंटी रुपीज़ अभी एक उस समय का जमाने का जो एक रुपये था वो आज का ट्वेंटी रुपीज़ है बोलते हैं वो डाउ डज नाउ डेज द दलवाई ओपन अ होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट एक जल्दी से उन्होंने खोला उसमें उसमें उन्होंने जलेबी का जे जलेबी का ढेर लगा दिया उन्होंने है ना तो ये था पार्ट वन आपका आप इसको रीड कीजिएगा